इंडिया में जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन वो आए हुए हैं. Everybody in the world now wants to be India's best friend. We accept that. के इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अदानी से हिसाब से मिल रहे हैं. अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है. अडानी जो कि इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हैं. जेसीबी पे बैठे हुए थे आजकल. वैसे भी जेसीबी बड़ी फेमस है योगी जी की वजह से या और दिल्ली. आज तो ये दिल्ली में भी शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ. जेसीबी फेमस है. इंडियन जो बिजनेसमैन है वो यूके में अंदर मेरा ख्याल है को 1 बिलियन यूरो पाउंड की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. ये खुद वहां इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जो कि एक बड़ी मेरी जाती राय में तो एक बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है. 5G पे भी बात कर रहे हैं. मतलब हम बहुत कुछ एक दूसरे को दे सकते हैं. दूसरी चीज इन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज जो बोली जो इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बैठा हुआ है. अब आप इमेजिन कर लें कि हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी और हम किधर पहुंचे हुए हैं और वो किधर पहुंचे हुए हैं. अगर आप डॉलर की सिचुएशन देखें तो डॉलर फिर जो है वो 185-86 पे वापस आ गया. एक और फॉरेन एनवॉय इस समय इंडिया में है जिसकी जिनकी चर्चा बहुत कम हो रही है, बातचीत बहुत कम हो रही है, खबरें भी कम छप रही हैं. वो है जय हिंद दोस्तों. मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें. और मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए. तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो. जय हिंद जय भारत. इंडिया में जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन वो आए हुए हैं तो उनकी क्या एक्टिविटीज हैं और क्या होने जा रहा है. ब्रिटेन एक बड़ा गेटवे है, हमारा सामान वहां जाता है, लैंड रोवर जगुआर. अब दोनों के दोनों इंडियन कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स उन्हें खरीद चुकी है, वहां से जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो इंडिया के हैं. ऐसे ही और इन्वेस्टमेंट्स पे बात होने वाली है. दोनों बोरिस जॉनसन साहब आज अहमदाबाद में थे, गांधी आश्रम भी गए. जो फोटो आपने दिखाई ये गांधी जी का साबरमती आश्रम था और ये जेसीबी वाली कंपनी एक वहां पे है अहमदाबाद में, वहां भी गए, जेसीबी पे बैठे हुए थे आजकल. वैसे भी जेसीबी बड़ी फेमस है योगी जी की वजह से या और दिल्ली. आज तो ये दिल्ली में भी शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जेसीबी फेमस है. अब सच ये कि 1 बिलियन पाउंड्स का के कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ये लेकर आए हैं वहां से हम लोगों के. ये एक टू वे गेम है. ये खुद वहां इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं. अडानी जो कि इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है वो. के इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अडानी से हिसाब से मिल रहे हैं. अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है. आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हो तो जो कि एक बड़ी मेरी जाती राय में तो एक बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है. अगर आप डॉलर की सिचुएशन देखें तो डॉलर फिर जो है वो 185-86 पे वापस आ गया. यानी कि कल जो इंटरबैंक था वो डॉलर 185 पे पहुंच गया है. इस मीन्स और वो सुनने में रात लेट जब वो क्रॉस कर गया था 186-87. सो इट मीन्स कि जो डॉलर को हम कंट्रोल नहीं कर सके. और उधर से इस पॉलिटिकल क्राइसिस जो इमरान खान साहब ने क्रिएट किया उसका नुकसान ये हुआ कि हमें एक दफा फिर IMF का प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर IMF के पास जाना पड़ा और अब IMF सुनने में आया है कि उन्होंने और कंडीशंस लगा दी हमारे ऊपर. उन्होंने कहा है जनाब के और वो कंडीशंस जो हैं वो बड़ी सख्त होंगी, जारी बात है. अब IMF जो है वो बड़ी बड़ी शरारतें, जारी बात है, वो शर्तें रखेगा. इंडिया में देखें वो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो सुनने में आ रहा है कि 1 बिलियन जो इंडियन जो बिजनेसमैन है वो यूके में अंदर मेरा ख्याल है को 1 बिलियन यूरो पाउंड की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. तो इंडियन जो इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, अब आप इमेजिन कर लें कि हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी और हम किधर पहुंचे हुए हैं और वो किधर पहुंचे हुए हैं.
बातें तो हमें बड़ी बुरी लगती हैं ये कहते हुए कि देखे वहां तरक्की हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, देखे वो हम उनको घसीट लेते हैं कि देखो उधर मुसलमानों की क्या हालत है, इस्लामोफोबिया है, फलां है, डमकां है, लेकिन वो सारी चीजें साइड में हैं क्योंकि हमें नजर वो आती हैं। बिल्कुल ठीक है, जो चीजें हों वो डिस्कस भी करनी चाहिए, ये नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली कितनी तरक्की कर रहे हैं, उसके ऊपर भी तो डिस्कस करना चाहिए। और ये है कि ये एक, एक, एक मेरा ख्याल एक बड़ा प्रॉब्लम है। करीब 11,000 जॉब्स यूके में नई आएंगी अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए ये साइन हो जाते हैं, तो 5G पे भी बात कर रहे हैं, मतलब बहुत हम बहुत कुछ एक दूसरे को दे सकते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोली वो ये कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हम उसके साथ काम करना चाहते हैं, और इस विजिट को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि ये विजिट पिछले साल होनी थी, कोविड पैंडमिक की जो फिगर्स थी वो राइज होने की वजह से कैंसिल की गई थी, तो इन्होंने भूला नहीं, ये वापस आए फिर से। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि यूक्रेन की वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस जो है उसकी इज्जत करते हैं, वी सपोर्ट दैट। मींस यूरोपियन यूनियन, नेटो या अमेरिका का सबसे अच्छा अलाई ब्रिटेन, कभी कभी इस ब्रिटेन को 51st स्टेट ऑफ यूएसए भी बोला जाता है, तो अगर ऐसी इतने क्लोज है अमेरिका के और वो आकर के हमारा न्यूट्रल स्टैंड को एंडोर्स कर रहे हैं तो एक बड़ी चीज है। और किधर एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आके मिल रहा है, यानी कि फॉरगेट के एक इंडियन की सरकार कितनी मजबूत है, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर बिजनेसमैन कितने मजबूत हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उनके पास जाना पड़ गया। बिकॉज अब जो जारी बात है वहां पे जो लोग होंगे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज वहां पे हैं, तो उन्होंने जारी बात है उसको बताया तो होगा कि भाई हम क्यों आपको इनके पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये बंदा है जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंग्लैंड के अंदर जाके। तो अब आप इमेजिन कर लें कि वे डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दैट सिचुएशन, और हमें जो है वो सिर्फ नारे मारेंगे हमारे साथ, और हमें नारों पर रख दिया, खुद इन लीडरान की जो है वो पोजीशन देखें कि एक एक अरब की सिर्फ हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और फॉरेन एनवॉय इस समय इंडिया में है जिसकी जिनकी चर्चा बहुत कम हो रही है, बातचीत बहुत कम हो रही है, खबरें भी कम छप रही हैं, वो है मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ। वो आज वाराणसी में थे, बनारस में थे, और यस्टरडे कल वो वहां थे, मुंबई में थे, वो भी बातचीत कर रहे हैं। आज बनारस में होली ट्रिप रहा होगा क्योंकि बनारस जो है वो धार्मिक नगरी है, और ये भी हिंदू हैं, तो मॉरिशस पे तो हिंदू बहुत हैं, तो धार्मिक ट्रिप रहा होगा। बट ही वाज आल्सो हियर देन। श्रीलंका के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी अभी तो वो क्राइसिस में है, अदरवाइज वो भी इंडिया के बहुत सारे बौद्ध जो मठ हैं स्तूप हैं वहां जाते रहते हैं, और कोई ऐसा हेडलाइन में वो आते नहीं है। वो उनकी भी पर्सनल विजिट्स हों या कोई भी विजिट्स हों वो आते रहते हैं, बोध गया मिले हैं कई बार इधर दूसरे एरियाज में खबर छपती है 9वें पेज पे, लेकिन वो आते हैं। और भी कई डिग्नेटरीज आते रहते हैं किसी का फॉरेन मिनिस्टर, मतलब आप अगर ले तो ऑन एन एवरेज एक महीने में 5-6 विजिट्स ऐसी हो रही हैं जिन जिनको लाइमलाइट नहीं मिलती है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो।